अगर आप भी जिम जाते हैं या जिम जाना चाहते हैं लेकिन आप में मोटिवेशन की कमी है या आप बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे गोल्डन टिप्स बताऊंगा जो आपको बॉडी बनाने में जरूर मदद करेगा। टिप्स नंबर 1, जिम पार्टनर बनाएं। जब आप जिम जाना शुरू करते हैं या जिम जाना शुरू कर रहे हैं तो आप अपने किसी दोस्त को अपना जिम पार्टनर बना सकते हैं या आप वहीं जिम पर किसी को अपना जिम पार्टनर बना सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जिम जाने में इंटरेस्ट आने लगता है और आपको जिम जाने में मजा आने लगेगा। इससे आप जल्दी जिम से बोर नहीं हो सकते। इस रूल को आप लाइफ के दूसरे एक्टिविटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, बिग टारगेट ना रखें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जिम शुरू करते ही बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं कि मैं 1 महीने या 2 महीने में 6 पैक्स बना लूंगा। आप सपने देख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके सपने पूरे होने के लिए टाइम तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट वाला गोल रखते हैं और जब आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप फिर डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। इसलिए शुरुआत में अपने टारगेट को छोटा रखें और बाद में इसे आप टाइम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। टिप्स नंबर 3, स्मॉल स्टेप्स लें। जब आप जिम की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको स्मॉल स्टेप्स के साथ शुरू करने चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मैं शुरुआत में 2 से 3 घंटे जिम में वर्कआउट करूंगा, भारी भारी डंबल्स उठाऊंगा, तो फिर आप जल्दी ही जिम से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगेंगे और फिर जिम आपको बर्डन लगने लगेगा। ज्यादातर लोग जब शुरुआत करते हैं तो इसी अंदाज से शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे शुरुआत करें, लेकिन अच्छी शुरुआत करें। टिप्स नंबर 4, मोटिवेशन म्यूजिक सुने। जब आप जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आप जिम मोटिवेशन म्यूजिक सुन सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिम में म्यूजिक सुनने से आप वर्कआउट पर फोकस कर पाते हैं और ये आपके एंड्योरेंस लेवल को 15% तक बढ़ा देता है। इसके अलावा कई फिटनेस एक्सपर्ट भी इसे सही मानते हैं। वर्कआउट के टाइम मोटिवेशन या फिर एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने से आपका ध्यान वर्कआउट पर लगा रहता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि वर्कआउट आपके डेली लाइफस्टाइल का हैबिट बने तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने की जरूरत है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बिगनर्स या प्रोफेशनल्स भले ही कुछ भी हो जाए जिम जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वे अगर वर्कआउट में गैप कर देंगे तो उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। इसलिए भले आपका जिम में मन लगे या नहीं लगे, आपको जिम डेली जाना चाहिए, तभी ये आपकी आदत बन सकती है। टिप्स नंबर 6, जिम में मोबाइल को दूर रखें। जिम में वर्कआउट करते समय आप अपना मोबाइल अपने से दूर रखें, क्योंकि जिम वर्कआउट करने के लिए होता है, ना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करने के लिए। इन सोशल साइट्स के नोटिफिकेशन भी आपके मोटिवेशन को कम कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके आप वर्कआउट सेशन के टाइम पर मोबाइल को अपने बैग में ही रखें, जिससे आप बिना किसी डिस्टर्बेशन के वर्कआउट को खत्म कर पाएंगे। टिप्स नंबर 7, खुद को इनाम दे। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि आप सब कुछ एक ही दिन में नहीं पा सकते, लेकिन एक दिन जरूर पा सकते हैं। आपके शरीर में जो भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे वो धीरे धीरे ही आएंगे। इसलिए डेली जब आप अपना वर्कआउट खत्म करते हैं तब आप अपने आप को शाबाशी जरूर दे। जब जब आप अपने गोल्स को पूरे करते जाएंगे आप अपने आप को कुछ भी इनाम दे सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप इससे मोटिवेटेड रहते हैं। और हाँ, मंजिल सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए काम करना पड़ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।